प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने प्याज की सभी किस्मों के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है, यानी अब प्याज को विदेशों में भेजने पर रोक लगा दी गई है। सरकार के इस कदम से प्याज की लोकल मार्केट में बढ़ोतरी के साथ कीमतें भी कम होंगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। खबरों के अनुसार दिल्ली में प्याज के भाव 40 रुपये प्रति किलो तक पहुँच गए हैं। बेरोजगारी देश की एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह सरकारी प्राइवेट जॉब की ख्वाहिशें ही होती हैं, लेकिन खुद का काम अधिक कमाई का जरिया साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की वंदना अग्रवाल और डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, जो रिश्ते में ननंद और भाभी हैं, दोनों मिलकर एक डेयरी चलाती हैं, वो भी हाईटेक डेयरी। पूरा सिस्टम कैशलेस और ऑनलाइन डिलीवरी से लेकर मेंटेनेंस तक। इनके पास 200 से ज्यादा भैंस और 12 गाय हैं। 400 से ज्यादा घरों में दूध की सप्लाई होती है। सालाना 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर के साथ इसमें 25 लोगों को रोजगार भी मिलता है। कोरोना काल में लाखों लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे में अगर आप भी एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास मौका है। फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग ऐप फ्लिपकार्ट ने 70,000 लोगों को जॉब देने का ऐलान किया है। साथ ही ई कॉमर्स की प्रमुख लॉजिस्टिक कंपनी ई कॉम एक्सप्रेस अगले 2 माह के लिए 30,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने की तैयारी में है। ये नौकरियां कंपनी के फुलफिलमेंट सेंटर, हब, सॉर्टिंग सेंटर और डिलीवरी सेंटर के लिए होंगी। बिहार में उन छात्रों को सीधा सरकारी अफसर बनने का मौका मिलेगा जिन्होंने इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई की है, क्योंकि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती नियमावली 2007 में संशोधन कर सेवा भर्ती संशोधन नियमावली 2020 के प्रारूप को हरी झंडी मिल चुकी है। बिहार सरकार के इस कदम से रोजगार तो बढ़ेगा ही, साथ ही मछली उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ मछली उत्पादकों को सरकार की योजनाओं और तकनीकी जानकारी भी मिल पाएगी। कोरोना काल में जहां लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा, वहीं इंडियन रेलवे ने आपदा को अवसर में बदलने का काम किया। भारतीय रेलवे के चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप ने 2020 और 21 के फाइनेंशियल ईयर में अब तक 150 रेल इंजनों का प्रोडक्शन पूरा करके इतिहास रच दिया। चितरंजन लोकोमोटिव वर्कशॉप की तनकुनी स्थित यूनिट से 150वें इंजन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। खास बात यह कि रेलवे ने यह प्रोडक्शन लॉकडाउन के साथ किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने उत्तरी बिहार को एक बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दरभंगा में लगभग 1264 करोड़ रुपए की लागत से एम्स हॉस्पिटल बनाने को मंजूरी दे दी गई। दरभंगा में एम्स हॉस्पिटल का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत किया गया। उत्तरी बिहार के लोग लंबे समय से दरभंगा में एम्स की मांग कर रहे थे। देश में जल्द ही 7 नए रूटों पर बुलेट ट्रेन फर्राटे से दौड़ने वाली है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने दिल्ली वाराणसी और दिल्ली अहमदाबाद सहित 7 नए रूट पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू करने की संभावना पर काम शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पूरे देश में चीन के सस्ते मोबाइल ने धूम मचा रखी है और सस्ते के चक्कर में ज्यादातर लोग चीनी मोबाइल कंपनियों पर निर्भर हैं, लेकिन देसी कंपनियों ने कमर कस ली है। भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो ने देसी मोबाइल कंपनियों से साझेदारी कर 1,000 से 2,500 रुपये तक के स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। टिकटॉक यूजर्स के दीवानों के लिए यूट्यूब ने अपने इंडियन यूजर्स के लिए शॉर्ट्स वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म शॉर्ट ऐप लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब के इस ऐप के जरिए यूजर्स टिकटॉक की तरह ही छोटे छोटे वीडियो बना सकेंगे। भारत में जब से टिकटॉक बैन हुआ है तब से अब तक कई शॉर्ट वीडियो मेकिंग ऐप लॉन्च हो चुके हैं। अब इस कड़ी में यूट्यूब का नाम भी जुड़ गया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।